आम आदमी पार्टी दे राष्ट्रीय प्रधान अरविंद केजरीवाल अते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वलों बीते दिन हुशियारपुर दे विच विकास क्रांति रैली कीती गई। इस रैली दे विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वड्डी भविखवाणी कर दित्ती है। सियासी भविखवाणी करदिया भगवंत मान ने यह ऐलान कर दिता कि आने वालियां लोकसभा चोणां दे विच आम आदमी पार्टी पंजाब दियां 13 सीटां चो 13 ते ही जित दर्ज करेगी। इस दे नाल ही नाल लगदी चंडीगढ़ दी एक सीट ते भी आम आदमी पार्टी ही जितेगी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विकास क्रांति रैली विच लोकां दे भारी इकट्ठ नूं सरकार दियां लोक पक्षी अते विकासमई योजनावां नूं मिल रहे भरवे हुंगारे दी गवाही भरी। हुशियारपुर दे लोकां नूं तोहफे वजों 867 करोड़ रुपए दे विकास प्रोजेक्टां दा उद्घाटन अते नींह पत्थर रखण दे ऐलान तों बाद इकट्ठ नूं संबोधित करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि इह इक इतिहासक मौका है जदों समुचे कंडी खेतर दी किस्मत बदल रही है। उन्हां कहा कि इह प्रोजेक्ट इस खेतर दे विकास नूं खुलारा देणगे अते लोकां दे जीवन विच खुशहाली लिआउणगे। भगवंत मान ने कहा कि पिछलियां सरकारां इस खेतर नूं अखों परोखे करदियां नजर आ रहियां ने, पर उन्हां दी सरकार इस खेतर ते सर्वपक्षी विकास दे लई वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल नूं एक महान क्रांतिकारी नेता दस्या जिसने आम आदमी पार्टी नूं भारतीय राजनीति दे केंद्री मंच ते लिआउण दा हौसला दिता है। उन्हां कहा कि इह ना तां कोई सियासी रैली है अते ना ही कोई शक्ति प्रदर्शन, सगों एक समागम पूर्ण रूप विच हुशियारपुर दे विकास नूं समर्पित है। भगवंत मान ने कहा कि अज सूबे दे कोने कोने विच बेमिसाल विकास वेखण नूं मिल रहा है अते इह आम आदमी पार्टी दे सरकार दे महज 18 महीने दे शासन दा नतीजा है। भगवंत मान ने कहा कि हुण हस्पतालां स्कूलां विच मुकम्मल तौर ते तब्दीली देखण नूं मिल रही है अते आम आदमी दी भलाई लई नवे मेडिकल कॉलेज बन रहे ने। इह फैसले उन्हां लोकां वल्लों ही लए जा रहे ने जो जमीनी पद्धर ते लोकां दीआं समस्यावां तों जाणू ने। मान ने कहा कि रवायती सियासी पार्टियां ने सूबे नूं बर्बादी कंडे लिया के खड़ा कर दिता है अते हुण उह बेशर्मी दे नाल नैतिकता दा राग अलापण लगियां होईयां ने। मान ने कहा कि सुखबीर बादल अते उसदे साथियां ने सूबे दे हित वेचे ने, आम आदमी दा जीवन बर्बाद कर दिता है अते हुण उह आम आदमी पार्टी नूं मलंगा दी पार्टी कह के पंजाब दे नौजवानां दा अपमान कर रहे ने। उन्हां कहा कि पार्टी कोल बुद्धिजीवी नेता हन जिन्हां ने राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते प्रमुख संस्थावां विच पढ़ाई कीती है अते इन्हां सारे आगूआं ने राजनीति विच आउण तों पहलां आपो अपने खेतरां विच अपनी काबिलियत बखूबी साबित कीती है। भगवंत मान ने कहा कि इह उह आगू जिन्हां नूं पंजाबी दे मूल शब्दां दा उच्चारण तक नहीं आउंदा उह सूबे अते इत्थों दे लोकां बारे निराधार टिक्का टिप्पणी कर रहे ने। लोक इन्हां तानाशाह आगूआं तों इन्ने अक चुके ने कि उन्हां ने आउण वालियां आम चोणां विच सूबे दीआं सारियां 13 अते चंडीगढ़ दी एक सीट आप दी झोली विच पाउण दा मन बना लिया है। उन्हां कहा कि आउण वालियां लोकसभा चोणां विच आंकड़ा 13-0 दा होवेगा अते 13 आप दे हक विच होणगीआं अते बाकी पार्टियां दे खाते तक नहीं खुल्लणगे। अकाली दल दे मुखी दे वलों उन्हां खिलाफ माणहानि दा कोई भी केस दर्ज करन दे लई उह पूरी तरह तैयार ने। उन्हां कहा कि उह बादल परिवार दीआं करतूतां नूं लोकां दे सामणे नंगा करके इस केस दा स्वागत करनगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रवायती पार्टियां उन्हां नाल ईरखा करदियां ने क्योंकि उह एक सधारण परिवार नाल संबंध रखदे ने अते लोकां दी भलाई यकीनी बनाउण दे लई अणथक मेहनत कर रहे ने। भगवंत मान ने कहा कि इन्हां नेतावां नूं हमेशा इह विश्वास सी कि उन्हां कोल राज करन दा इलाही अधिकार है जिस कारण उन्हां नूं इह गल हजम नहीं हो रही कि आम आदमी पार्टी राज नूं इन्नी कुशलता नाल किवें चला रही है। उन्हां कहा कि इन्हां आगूआं ने लम्मा समां लोकां नूं मूर्ख बनाया पर हुण इह लोक इन्हां दे गुमराहकुन प्रचार तों प्रभावित नहीं होणगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी न्यूज़ बॉक्स।